हेलो डियर स्टूडेंट ए क्लास फर्स्ट ईयर के प्रोज का फर्स्ट लेसन माय स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन का पार्ट नंबर थ्री है मैंने आपको पार्ट टू में यहाँ तक हम टीच किए थे अब इसके आगे से हम यहाँ पैरावाइज हिंदी एक्सप्लेन समझते हैं आफ्टर सम आवर्स हैड पास्ट हेड टीचर टू टूमी आफ्टर के बाद सम आवर्स कुछ घंटे हेड पास्ट बीत चुके थे यानी कुछ घंटे बीतने के बाद द हेड टीचर मुख्य अध्यापिका ने सेट टू मी मुझसे कहा यानी कुछ घंटे बीतने के बाद मुख्य अध्यापिका ने मुझसे कहा द एड ज्वाइनिंग रेसीटेशन रूम नीड्स स्वीपिंग द एड ज्वाइनिंग पास का रेस्टेशन रूम संगीत कच्छ नीड्स आवश्यकता है स्वीपिंग सफाई करने की यानी पास के संगीत कक्ष की सफाई करने की आवश्यकता है तो टेक द ए झाड़ू लो एंड और इसे साफ करो इट आकर टू मी एट वंश दैट हियर वॉच माई चांस इट ऑकर्ड टू मी एट वंस एट वंस मींस होता है तत्काल या तुरंत और इट आकर टू मी ऑकर्ड मींस होता है घटित होना बट यहाँ इट आकर टू मी का मतलब है मेरे अंदर विचार आया आई एडवंस तुरंत तत्काल यानी मेरे अंदर तुरंत विचार आया दैट की हियर वाज माई चांस कि यहाँ एक मेरा अवसर है एक अच्छा चांस है अच्छा मौका है नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट नेवर डिड आई रिसीव मैंने कभी नहीं स्वीकार किया था मैंने कभी नहीं प्राप्त किया था एन ऑर्डर एक आदेश को विथ मोर डिलाइट अत्यधिक प्रसन्नता के साथ या अत्यधिक खुशी के साथ इसका मीन्स है कि मैंने इससे पहले कभी भी किसी आदेश को इतनी अधिक खुशी के साथ नहीं प्राप्त किया था आई स्वेप्ट रेसिटेशन रूम थ्री टाइम्स आई स्वेप्ट मैंने साफ़ किया आई स्वीप की सेकेंड फॉर्म स्वैप्ट है तो मैंने साफ किया द रेसिटेशन रूम संगीत कक्ष को थ्री टाइम्स तीन बार यानी मैंने संगीत कच्छ को तीन बार झाड़ों से साफ किया देन उसके बाद या तब आई गॉट ए डस्टिंग क्लॉथ आई गॉट मैंने लिया ए डस्टिंग क्लॉथ डस्टिंग क्लॉथ का मतलब होता है धूल साफ करने का कपड़ा यानी उसके बाद मैंने धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया एंड और आई डस्टेड इट फोर टाइम एंड आई डस्टेड आई मैं डस्टेड इसके धूल को साफ किया इट इस कच्छ की या इसकी फोर टाइम चार बार यानी पहले मैंने संगीत कच्छ को तीन बार झाड़ू से साफ किया उसके बाद धूल साफ करने वाला कपड़ा लिया उससे चार बार साफ किया ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स वॉल्सरी बेंच टेबल एंड डेस्क तो ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल यानी दीवाल के पास लगे हुए सारे लकड़ी के सामान को एवरी बेंच प्रत्येक बेंच को टेबल टेबल को यानी मेज को एंड डेस्क और डेस्क को इन सभी को चार बार साफ किया आई वेंट ओवर फोर टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ आई वेंट ओवर फोर टाइम्स यानी मैंने चार बार साफ किया विथ माई डस्टिंग क्लॉथ अपने वही धूल साफ करने वाले कपड़े से यानी पहले फिर से एक बार देख लीजिए पहले मैंने उस कमरे को तीन बार झाड़ू से साफ किया उसके बाद डस्टिंग क्लॉथ लिया उस कमरे को मैंने चार बार साफ किया उसके बाद दीवार के पास लगे हुए लकड़ी के सामान को प्रत्येक बेंच को मेज को डेस्क को मैंने अपने डस्टिंग क्लॉथ से चार बार फिर साफ किया बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड एवरी पीस ऑफ फर्नीचर यानी प्रत्येक फर्नीचर को हैड बीन मूव्ड उसके स्थान से हटाया एंड यूरिक्लॉजेट एंड कॉर्नर इन द रूम हैड बीन थ्रोली क्लीड एंड और यूरिक्लॉजेट प्रत्येक अलमारी को एंड कॉर्नर इन द रूम और कमरे के प्रत्येक कोने को हैड बीन थ्रोली क्लीनड पूरी तरीके से साफ किया आई हैड द फीलिंग दैट इन ए लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपान द इम्प्रेशन तो आई हैड द फीलिंग यानी मेरी यह भावना थी दैट की इन ए लार्ज मेजर बड़े पैमाने पर या मुख्य रूप से माई फ्यूचर मेरा भविष्य डिपेंडेड निर्भर था अपान द इम्प्रेशन प्रभाव पर जो आई मेड अपान द टीचर जो मैंने उस मुख्य अध्यापका पर किया इन द्लिनिंग ऑफ़ दैट रूम उस कमरे की सफाई करके इसका मीन्स ये है कि मेरी यह भावना थी कि इस कमरे की सफाई से मुख्य अध्यापका पर पढ़ने वाले प्रभाव पर ही मेरा भविष्य मुख्य रूप से निर्भर था मुख्य रूप से निर्भर था वेन आई वाज थ्रू वेन आई वाज थ्रू यानी जब मेरा कार्य पूरा हो गया तो आई रिपोर्टेड टू देड टीचर तो आई रिपोर्टेड मैंने सूचित किया टू देड टीचर मुख्य अध्यापिका को जब मेरा कार्य पूरा हो गया तब मैंने मुख्य अध्यापिका को सूचित किया तो सी वाज ए यांकी ओमेन सी वाज ए यांकी ओमेन वह एक यांकी महिला थी यांकी मतलब अमेरिका में रहने वाली एक स्त्री तो अमेरिका में रहने वाली एक स्त्री को याकी बोला जाता है यानी वह एक याकी महिला थी जस्ट हुयर टू लुक फॉर डर्ट यानी जो जानती थी हु न्यू जो जानती थी जस्ट वेयर लुक फॉर डर्ट कि धूल कहाँ मिल सकती है याद कहना मतलब है कि वह एक यहाँ की महिला थी जो यह जानती थी कि धूल या गंदगी को कहाँ खोजा जाना चाहिए सी वेंट इंटू द रूम सी वेंट वह गई इं टू द रूम कमरे में कमरे के अंदर यानी वह कमरे में गई एंड इंस्पेक्टेड और निरीक्षण किया द फ्लोर फर्श का एंड क्लोज्स और अलमारियों का यानी वह कमरे के अंदर गई और फर्श अलमारी का निरीक्षण किया फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया देन तब सी टूक हर हैंड कर चीप एंड रब्ड इट ऑन द उड वर्क अबाउट द वॉल एंड ओवर द टेबल एंड बेंचेस देन तब सी टू उसने लिया हर हैंड कर चीप अपने रुमाल को हैंड कर चीप रुमाल बोलते हैं तो तब उसने अपने रुमाल को लिया एंड रब्ड इट और इसे रगड़ा ऑन द उड वर्क लकड़ी के सामान पर अबाउट द वाल उस दीवार के चारों ओर लगे हुए यानी दीवार के पास लगे हुए लकड़ी पर रगड़ा एंड ओवर द टेबल और मेज पर रगड़ा एंड बेंचेस और प्रत्येक बेंच पर रगड़ा यानी पहले वो कमरे में गई तब उसने फर्श और अलमारियों का निरीक्षण किया तब उसने अपने रुमाल को लिया फिर उसने दीवार के पास लगे हुए लकड़ी के सामान पर बेंच पर और प्रत्येक टेबल पर उसने अपने रुमाल को रगड़ा रब रग किया तो व्हेन सी वाज अनेबल टू फाइंड वन बिट ऑफ डर्ट ऑन द फ्लोर तो व्हेन जब सी वाज अनेबल टू फाइंड यानी जब वह पा ना सकी अनेबल अक्षम होना या सक्षम ना होना तो अनेबल अक्षम होना टू फाइंड पाने में यानी मतलब जब वह पाने में अक्षम थी मीन्स जब वह ना पा सकी वन बिट ऑफ डट धूल का एक भी कण ऑन द फ्लोर फर्श पर यानी जब वह फर्श पर धूल का एक भी कण ना पा सकी और या ए पार्टिकल ऑफ डस्ट ऑन एनी ऑफ फर्नीचर या फिर फर्नीचर पर एक भी डस्ट का पार्टिकल कण कहने मतलब तो है कि जब वह फर्श पर धूल या फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर धूल का एक भी कण पा ना सकी तो सी क्वाइटली रिमार्क्ड तब उसने क्वाइटली शांतिपूर्वक या शांत से शांति से रिमार्क्ड कहा तब उसने शांतिपूर्वक कहा या शांत मन से या शांत भाव से कहा आई गेस मेरा अनुमान है कि यू विल यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन आई गेस यानी मेरा अनुमान है कि यू विल डू टू इंटर इन सॉरी दिस इंस्टीट्यूशन कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो यानी तब उसने शांत भाव से कहा कि मेरा अनुमान है कि तुम इस संस्था में प्रवेश पाने योग्य हो आई वाज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल्स ऑन द अर्थ आई मैं था वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल सबसे खुश आत्माओं में से आत्मा मतलब मनुष्य आदमी ऑन द अर्थ पृथ्वी पर यानी मैं पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्तियों में से एक था या सबसे खुश व्यक्ति था द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम उस कमरे की सफाई वाज थी माई कॉलेज रूम के सॉरी माई कॉलेज एग्जामिनेशन मेरे कॉलेज की परीक्षा के समान यानी उस कमरे की सफाई मेरे कॉलेज की परीक्षा के समान थी जो आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन आई हैव पास्ड मैंने पास किया है सेवरल एग्जामिनेशन कई परीक्षाएं सिंस देन तब से यानी मैंने तब से बहुत सारी परीक्षाओं को पास किया है बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट लेकिन मैं हमेशा यह अनुभव करता हूँ महसूस करता हूँ दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ट कि दिस वाज द बेस्ट वन कि ये सबसे अच्छी परीक्षा थी आई एवर पास जिसे मैंने कभी पास किया था इसका मीन्स ये है कि आज तक मैंने जितनी भी परीक्षाओं को पास किया था तो उन परीक्षाओं में से वह परीक्षा सबसे ही अच्छी महत्वपूर्ण थी